सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की नई कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। सबसे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर गौर की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद नवीन प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति कार्यालय पहुंचकर निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर जनक दुलाही आही से कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं इस विश्वविद्यालय को अधिकतम ऊंचाई पर ले जाने का हर संभव प्रयास करूंगी। यह विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षा केंद्र न रहे बल्कि उत्कृष्ट अध्ययन एवं शोध केंद्र बने। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि हम स्किल बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे जिसका लाभ हमारे समाज को होगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे एफर्ट्स होने चाहिए, हम अपने प्रयासों से अवश्य ही हम फंड्स को जनरेट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो एक्सपर्टीज मैंने अभी तक देखी है इस विश्वविद्यालय में, और उस एक्सपर्टीज को हम लोगों ने इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेंसी अभी नहीं यूटिलाइज़ किया है, तो वी कैन यूटिलाइज आवर एक्सपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेंसी। हम इन सर्विसेज को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आई नो वी हैव अ वेरी गुड लीगल डिपार्टमेंट एंड इन कोलैबोरेशन विद लीगल इंस्टीट्यूशंस वी कैन ऑफर दीज कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आज समाज में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। ये भी हम कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने ये भी मॉर्निंग में थोड़ा सा असेस किया कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को भी थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि कहा जाता है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते रहें और उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, जहाँ भारत सरकार कह रही है फिट इंडिया मूवमेंट चलाया हुआ है, तो इस फिट इंडिया मूवमेंट में इस विश्वविद्यालय का क्या योगदान है, कितना पार्टिसिपेट कर रही है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।